कार दोस्तों आप देख रहे हैं 575 सेवेंटी फाइव का एक नया नवेला एपिसोड एंड कीपिंग इन माइंड विद जो अभी ट्रेंड चल रहा है भारतीय क्रिकेट टीम में हमने भी सोचा हम इस ट्रेंड के पीछे क्यों रहे भाई तो इसीलिए आज जो हमारे कैमरा पर्सन है वो प्रोड्यूसर का, का काम कर रहे हैं आज जो हमारे प्रोड्यूसर है वो प्रोटेस्ट मारने गए क्योंकि आजकल प्रोटेस्ट भी एक नया ट्रेंड है हमारे देश में लेकिन हमारे एक्सपर्ट जो है वो वहीं के वहीं है एक्सपर्ट्स के साथ हम यहाँ पे छेड़खानी नहीं करते भाई आप लोग कोहली आप और रोहित शर्मा कोई आपको छू के नहीं दिखा सकता यहाँ पे वेलकम बैक वेलकम बैक आप आ गए थे हमारे साथ थे नहीं पिछले, पिछले वो मैं थोड़ा काम करने गया था महल मैं भी बना रहा हूँ अपना लेकिन बात ये हो रही है कि राहुल के के ऊपर काफी बातचीत यहाँ पे होगी लेकिन सबसे पहले यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय क्रिकेट टीम की कि वांखड़े में जो कुटाई हुई थी हाँ। कुटाई के बाद कम बैक काफी अच्छी हुई है निखिल बिल्कुल आपको मैंने कहा था आप वो बेसर उठा के देखे आप कह रहे थे कुटाई पटाई कोई हार है पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया आई थी जीत के गई थी मैच देख के बोलते ना <laughs> पर राजकोट में वापस कम बैक हुई अच्छी और फिर बेंगलुरु में गुड गुड विन मैं वही कह रहा था ना इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलिया में इतना फर्क नहीं है ये ओडीआई टीम आप देखें नंबर वन ओडीआई टीम इंडिया ऐसे नहीं है वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस देखे जो सीरीज भी पिछली बार हार गए थे आई थिंक थ्री टू हारे थे बहुत क्लोज था वो भी यहाँ पर भी इस टीम में वो था मेरे को लगता है थोड़ा सा रिलैक्स थे थोड़ी हल्की टीमों से खेल रहे थे इससे पहले वेस्ट इंडीज श्रीलंका तो रिलैक्स मूड हाँ। में थी इंडियन टीम हाँ। आपकी तरह ऐसे बस टहलते आ गए हाँ। उनको पता चला जब उनको पता चला कि नहीं यहाँ पे थोड़ा कड़ा मुकाबला है

ऐसे कुछ बात नहीं हाँ थोड़ा मिडिल ऑर्डर लेकर बैंगलोर में जो हुआ था टू की क्या होता है वो भी बैंगलोर जैसे फ्लैट ट्रैक पे स्मॉल बाउंड्रीज ऑफ आई थिंक मोहम्मद शमी बॉलिंग की थी स्टार्ट में तो डेविड वॉर्नर को निकाला बेहतरीन उसके बाद टू कम बैक इन द एन एंड पेस्ट रियली देखो अगर स्मिथ खेल रहे 130 तक तो लगता है आपको 320 तक तो पहुंच जाएंगे hmm. पर 286 दिस वाज अ मैच रियली सेटअप बाय द बॉलर्स इवन रविंद्र जडेजा का जो नौवां ओवर था दो बड़े विकेट उन्होंने प्राप्त किया हालांकि एक तो एक पिंचर uh, um, था बट टू विकेट्स राइट देयर फैंटास्टिक विन और फिर मैच थोड़ा फंसता हाँ। तो वहीं स्मिथ के विकेट के बाद आपने उनको कभी वापस आने ही नहीं दिया विकेट पे विकेट विकेट पे विकेट, विकेट हाँ। चलते हाँ। वो, वो आ, में इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने अदा, अदा किया है आप सेकेंड और थर्ड दोनों ओडीआई में देखें लास्ट में जो विकेट निकालते हैं और अब मुझे वही बात याद आती है कि वर्ल्ड कप में वो बैकअप पेसर थे मतलब उससे बड़ी बैकअपेस्टी शायद इंडियन क्रिकेट में नहीं थी आपने उनको सेमीफाइनल नहीं खिलाया जबकि आई थिंक भुवनेश्वर इंजर्ड थे तब वो आए भी थे अच्छा परफॉर्म किया फिर भी आपने उनको बाहर रखा तो दिखा रहा है कि कितने अच्छे फॉर्म में अगर आप उनको अपने साथ लगातार रखते टीम में तो शायद नतीजे बहुत अलग होते शॉकिंग अगर किसी भी टीम में होते मुझे नहीं लगता वो बाहर बैठ सकते इस वक्त जिस फॉर्म में है आई डोंट थिंक कैन आउट विकेट

और बिल्कुल और अगर आप मोहम्मद शमी की बात करते हैं आई थिंक उन्होंने जो अपने आप पे फिटनेस पे जो जो फोकस किया है हाँ. अठारह महीने दो साल पहले अगर उनको देखते इतने फिट नहीं थे ऑफ फील्ड जो हो हो सके कोई मेंटल सर अब, अब मुद्दे की बात करते हैं मतलब जहाँ प्रेज बनती है प्रेज तो वहाँ पर बनता है लेकिन ये है जी मुद्दे की बात क्योंकि हाँ. मैं आपको एक बता दूं एक पोस्ट मैच कमेंट आया है कप्तान विराट कोहली का आफ्टर द मैच और ये है केएल राहुल और उनकी कीपिंग को लेकर ही

पंथ कौन से इतने अच्छे कीपर हैं काफी मिस कर रहे हैं बट वो स्पेशलिस्ट कीपर तो है और अगर आपको लगता है पंत वो अच्छे कीपर नहीं है तो आप अपना कीपर लेके आए जो आपको लगता है बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकता है कीपिंग भी अच्छी कर सकता है अब कई नाम होते हैं संजू सैमसंग का नाम है ईशान किशन का नाम आ रहा है अभी भरत को सेलेक्ट किया है इन्होंने इंडिया ये तो कई ऐसे नाम है जो आपको लगता है आप उसको लेकर आए राहुल ने खुद कहा है कि वो जब जूनियर क्रिकेट खेलते थे तो वो करते थे उसके बाद उनको कभी मौका नहीं मिला हाल में किया उन्होंने कर्नाटका के लिए क्योंकि कोई कीपर नहीं था तो स्टॉप कैप था तो आप स्टॉप कैप क्यों करना चाहेंगे जब आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं राहुल द्रविड से लोग तुलना करेंगे बट आपको देखना पड़ेगा कि राहुल द्रविड क्यों आए थे ये बात जग जाहिर है और सौरभ गांगुली ने भी इसके बारे में बताया था कि वो इसलिए उन्होंने ऑप्शन यूज किया कि वो राहुल द्रविड को वनडे टीम में रखना चाहते थे राहुल द्रविड को सब टेस्ट क्रिकेटर की तरह देखते थे तो जगह नहीं बन रही थी वनडे टीम में लेकिन सौरभ को लगता था वो इतने अच्छे बैट्समैन है कि हाउ केन ही बी आउट ऑफ द वनडे टीम तो उन्होंने उनको उसमें रखा पर क्या के राहुल के साथ वो परेशानी है नहीं वो वनडे के बैट्समैन है सब इस बात को मानेंगे तो उनको आप फिट करने की देख नहीं रहे हाँ आप अपना बैलेंस बड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हो इसलिए आप पंथ को बाहर कर रहे हो आ, तो मुझे लगता है स्टॉप गैप है पर्सनली हम उस उसपे आगे चर्चा करेंगे मुझे लगता है आप पंत के साथ प्रसिस्ट कर सकते हो so, anyway, मैं मैं नहीं। मैं, मैं, नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है आपने टीम टीम के के बैलेंस लिए इज इज वन थिंग एंड इफ इट हेल्पिंग योर वेल गुड बट मैं राहुल के नजरिए से देख रहा हूँ जो लड़का ओपनर है वो नंबर पांच में बल्लेबाजी hmm. कर रहा है hmm. जो लड़का स्पेशलिस्ट कीपर नहीं है अब वो कीपिंग भी कर रहा है तो राहुल के नजरिए से वो क्या सोच रहा है हालांकि इन द मीडिया ही इज गोइंग ऑन से आई एम रेडी बिकॉज ही इज इन दैट जोन राइट नाउ वेरी नोस ही इज मिडलिंग एवरीथिंग ही इज इन दैट फॉर्म लाइफ राइट नाउ देखो राहुल को लेके इन्होंने 2018 का जो एशिया कप हुआ था यूएई में उन्होंने एक वेरी फ्रैंक एक रिस्पांस दिया था कि व्हिच इज वेरी रेयर टू तो सी फ्रॉम प्लेयर्स स्पेशली प्लेयर्स लाइक हिम जो तो अभी अब तक अपने आप को किसी फॉर्म में अपने, अपने आप को सबमिट नहीं कर पाए उन्होंने कहा तो कि इट्स अनफॉर्चुनेट आईडिक्स बैटिंग स्पॉट इन ओडीआईस मैंने hmm. चार मैच ओपनिंग किए थे फिर में तो अ लॉन्ग रोप इन एक फिक्स जगह मैं शायद अपने आप को ज्यादा प्रूव कर सकता हूँ ये वही खिलाड़ी अब ऑलमोस्ट डेढ़ साल बाद दो साल बाद अभी तक उनका जगह कायम नहीं है वर्ल्ड कप में धवन को इंजरी हुआ

हम अभी भी अगर बात करते हैं पंथ का तो इनका जो एक और मेरा मानना वो हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में दो टेस्ट शतक मारी थी पहले भारतीय विकेटकीपर जिन्होंने टेस्ट मैच में इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में सौ मारे उसके बाद जो है उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक किया था वनडे में हां इस बीच में धोनी बाहर गए थे पर पंत वो प्लेयर है उन्होंने कभी अपना नंबर वो सबिट नहीं कर पाए

कि आप एक दो प्रदर्शन आपका सही नहीं रहा तो फिर अगले मैच में आपने पहना है पीला बिब और आप बैठे हुए हो बेंच में तो कहीं ना कहीं वो कहते ना कि अगर आप यंग प्लेयर को बैक कर रहे हो तो आंख बंद कर, कर एक उसको एटलीस्ट दस से पंद्रह गेम देने पड़ेंगे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतना वक्त लगता है अपने आप को ढूंढने के लिए लेकिन इस टीम में शायद वो दिख नहीं रहा है बिल्कुल आपसे सहमत हूं और ये अभी से नहीं काफी टाइम से हो रहा है आप कुछ उदाहरण ले लें युजवेंद्र चहल जैसा रिस्पिनर ही नहीं था शायद इंडिया में अगर आप एक साल पहले बोले आज वो उनको जगह ही नहीं मिलती शॉर्ट फॉर्मेट में या कभी कभी खेलते हैं अब उनका ले आप बाकी फॉर्मेट में देख लें आ, हनुमा विहारी आ गए थे मिडिल ऑर्डर में वेस्ट इंडीज में अच्छा भी किया आज गायब है मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट में जरूर रखा है लेकिन टीम का हिस्सा नहीं है वहां पर तो ऐसे कई खिलाड़ियों के साथ हो रहा है आप विजय शंकर नेक्स्ट बिग थिंग थे अब उनको ऑन फ्रॉम हाँ, वो इतनी जल्दी हो रहा है कि प्लेयरों पे आप कितने भी बड़े प्लेयर हों आपके ऊपर अगर जैसे आप बोल रहे तलवार लटकी हुई है कोई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे नहीं सकता एंड अक्रॉस स्पोर्ट है आप भी जानते फुटबॉल का भी उदाहरण ले लें अगर आप प्लेयर को लगातार नहीं खिला रहे उसका कॉन्फिडेंस जाएगा

और आप कहते हो कि देखो इस मैच में मैं इसको खिलाऊंगा इस मैच में उसको खिलाऊंगा रेस्ट करूंगा यहाँ पे एंड क्रिकेट विच इज सो कंडीशन बेस्ड उस हिसाब से ये भी कह रहे हैं कि हमने अठारह की अपनी एक वो स्ट्रॉन्ग कोर बनाई हुई है

पॉइंट इज अभी उस लेवल के प्लेयर वो है नहीं जो हम चाहते हैं टैलेंट है उनमें बट बिकॉज ही इज नॉट देयर आई थिंक दिस ऑल स्पेज इनसिक्योरिटी किसी भी प्लेयर में अगर अपनी वीकेंड क्लब लीग की बात करूं मुझे अगर किसी प्लेयर को बैठाना ये बोलकर या तुमसे अच्छा प्लेयर है इनसिक्योरिटी फैल जाती है दिस इज एलीट स्पोर्ट जहां पे ईगो बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इट विल स्प्रेड इन के थोड़ा डाउट रहेगा आपको उमेश यादव स्किल है उनको सिर्फ खिलाते हैं इंडियन मैचेस में टेस्ट मैचे में अलग बात है कि उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया पर क्या होता है जब वो नेक्स्ट बाहर जाएंगे उनको पता है क्या मेरा तो चांस है ही नहीं सो एट सम पॉइंट इट हिट द कॉन्फिडेंस इट हिट द माइंड सेट हु फ्रॉम दिस आई थिंक इट्स अ वेरी बैड सेटअप मैं तो एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि बिहाइंड स्टम्स वन डे राहुल हैज बैड डे हाँ। फिर आप क्या करोगे हाँ बिल्कुल यू सडनली चेंज ओके पंत इज कमिंग ये, हाँ। ये होगा सॉरी मैं कह रहा राहुल इज अ प्लेयर जो टैलेंट इन में है पर अगेन ही हैड सो मेनी इंजरी प्रॉब्लम शोल्डर इनके दिमाग में एक सेकंड के लिए वो रहेगा कि यार मैं वहां तक डाइव मारूं कि नहीं वेयर अ फुल फ्लेजेड कीपर जो ये कर रहा है डे इन डे आउट उसको वो डर नहीं रहेगा डन स्टिल स्टेज वे इज नॉट कंप्लीट पैकेज जब वो अच्छे डायब नहीं मार पा रहे हाक राहुल ऑलरेडी परहैप्स इनसे अबाउट हिज स्पॉट के यार मैं अगर डाय मरू तो अगेन मैं छह महीने के लिए बाहर

वो पोटेंशियल उन्होंने दिखाई है yeah. ऐसे मैवरिक प्लेयर को अब

को समझ गया मेरा रोल क्या है एंड आई हैव टू लीड द टीम उस सिचुएशन में में और बहुत जल्दी आ आ गई गई उनमें उनमें एक दो साल साल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट पर आप उतना टाइम hmm. तो पंत को दे दे hmm. क्योंकि उन्होंने उनमें टैलेंट उनमें दिखाया है। अगर वो नहीं कर पाए आपने, जैसे आपने कहा दे दिया डेढ़

Mrs. Lee in record time. Ha, it's because your bowlers are doing well, but he's not been that bad in Test. If we're being nitpicking, in case of flaws like keeping this happen when he's wearing blue in one days and uh, T20s. Yeah. Mm -hmm. Also कि जब से दन, अभी भी इंडिया के हमने जिक्र किया था लास्ट शो में उन्होंने उनको आठ महीने आपने बोला भाई साहब तो आप चार पे खेलोगे वर्ल्ड कप में तीन मैच में फेल हुए मेरे ख्याल से बारह आठ और तीन मारे

हम हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राहुल और पन्त की।, पन्त की अब पता चल रहा है जो पिछले शो में हमने डिस्कस किया था कि ने क्यों नहीं ली है उनको आईपीएल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो के बलबूते बुलावा मैं एक बिना उसके भी आ सकता है क्या देते हैं आपको एक्चुअली उस चीज का यहाँ पे रीजन वाई दिस डिस्कशन ऑल्सो क्योंकि आप ये सब कर रहे हो ना वर्ल्ड कप

यहाँ पे टर्न अराउंड होने वाले एंड पंथ वापस हमारे मेन विकेट की, कीपर बनने वाले हैं पता नहीं आप बिल्कुल गैस नहीं कर सकता नंबर चार के एक्सपेरिमेंट को तो एक ही मैच मिला था <laughs> तो उसके लिहाज से तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा बट आ, ये थोड़ा सक्सेसफुल हो भी सकता है क्योंकि राहुल इज इन ग्रेट फॉर्म एज अ बैट्समैन और ये भी हो सकता है कि ब्लंडर ना भी हो उनसे mm -hmm. तो चलते जाए mm -hmm. तो क्या पता है एक दो तीन चार सीरीज भी चले जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान ही करेगा कभी ना कभी तो आपको कीपर लाना ही पड़ेगा तो जल्दी करें बाय कीप गोइंग विदो अभी तो लॉन्ग टर्म की बात नहीं है अभी फोकस इज ऑन ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी राइट एवरी इज ऑन ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी ट्वेंटी आप जो भी डिसीजन ले रहे हो

वर्ल्ड कप भी आप बदल रहे थे हुँ। आपके जो बैट्समैन थे, 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 थे।, तो, हाँ, थे exactly. दर्शकों के लिए भी एक सवाल डालेंगे वो यूट्यूब डालिए और बताइए कि जो अगला ओडीआई सीरीज है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की श्रृंखला टी ट्वेंटी की बात नहीं कर रहा आपको क्या लगता है राहुल कहा बल्लेबाजी करते हुए पहले ओडीआई में अब तो टॉप तीन में तो मुझे नहीं लगता वो होंगे हाँ। क्योंकि विराट कोहली तो हाँ तो चार पे उनको खेलना चाहिए लेकिन तो अगर आप शेयर सैयर नहीं बट आप इस तो वक्त तो बल्लेबाजी क्या है उसने

तीसरे ओडीआई में उसने कल आपको दिखाया दैट hmm. 46 सिक्स री प्लेड नॉट आउट दैट ऑज सच बहुत अच्छा था बट आई एम सेइंग बिटवीन राहुल एंड

you <laughs>